माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, उसी संदर्भ में किसी ने अपनी भावना को व्यक्त की। स्वाभाविक है, हर पार्टी के जो समर्थक होता है उसका जो है उसको उसकी इच्छा होती है कि उसका जो नेता है वो बने। वो आपकी राजनीति यहाँ पर नहीं होती, हम लोग दबाव अपने में होते हैं। हम लोगों का लक्ष्य है 2024 में इस देश को भाजपा से मुक्त करना, हम लोग का सीधा टारगेट वहाँ है। नहीं, दबाव की राजनीति हम लोग नहीं करते। इन दिनों मुख्यमंत्री पद के लिए होर मची हुई है। एक और मांझे कह रहे हैं हमारे पुत्र जो है मुख्यमंत्री पद का योग उम्मीदवार है, वो जो है किसी को पढ़ा सकता है। दूसरी तरफ आरजेडी के महागठबंधन के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव होली के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन कल तेजस्वी यादव ने कहा था कि अभी हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन हमें जो है सबसे पहले पीएम को हराना है। लेकिन लगातार राजद के जो विधायक है नेता, वो कह रहे हैं होली के बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं, तो क्या जो है जदयू पे दबाव बना रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए? देखिए, मांग कोई नहीं कर रहा है। नहीं, आप लोग तो कह रहे हैं ना कि होली के बाद नहीं, अपनी भावना की अभिव्यक्ति किसी के द्वारा की गई है उसको आप मांग नहीं कर सकते हैं। और इस पर जो माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है, इसलिए उसमें कहीं कोई इफ बट का सवाल नहीं रहा। सवाल तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनने का या नेतृत्व करने का, तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ही कई बार पहले बोल चुके हैं कि हाँ 2025 जो है का चुनाव तेजस्वी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो वो जो बोले हैं उसी संदर्भ में जो भावनाएं आई हैं उसी संदर्भ में है। और जहाँ तक मांझी जी का सवाल है, तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसका पुत्र जो है आगे बढ़े, उससे ज़्यादा तो आप लोग उसे प्रोजेक्ट करेंगे क्या? अगर वो चाह रहे हैं तो आप लोग करेंगे? महागठबंधन के नेता है ना वो लोग। नहीं, देखिए, वह तो जनता मालिक है, जनता फैसला करती है। एक पिता की इच्छा जो है, तो मांझी जी ने एक पिता के रूप में इच्छा जो उनकी, पिता के साथ साथ महागठबंधन के वो नेता भी हैं। महागठबंधन के नेता हैं, लेकिन जो है सो वो जो बोले हैं वो पिता के रूप में, पिता भी तो हैं। महागठबंधन के नेता हैं, पिता भी तो हैं। तो पिता के रूप में अगर वो मांग कर रहे हैं, तो महागठबंधन के जो तमाम नेता हैं वो मानेंगे कि मांझी का बेटा इस बार जो है मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हो? नहीं, उम्मीदवार हो सो नहीं ना बोले हैं, उम्मीदवार हो सो कहाँ वो बोले हैं क्या उम्मीदवार है? योग है यह कहना और उम्मीदवार, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। इसलिए दोनों को घाल मेल आप अगर मने कीजिएगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाइएगा, लोगों को भी कंफ्यूज कीजिएगा। घाल मेल की बात नहीं है ना, वो कह रहे हैं कि हमारा बेटा योग है। योग है मतलब अगर योग है तो हर नहीं, हम लोग योग है सो कहें, कहाँ कह रहे हैं कि हमारे बेटा को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए, तो नहीं कहें। अगर योग है तो उम्मीदवारी पर मानिएगा आप लोग? योग हम लोग योग लोगों की कमी नहीं ना है, जनता जो तय करती है, जनता आप लोग नहीं मानिएगा अगर नहीं माने का सवाल ही सवाल है आपका। आप कोई कह रहे हैं कि योग्य तो बहुत लोग हैं ना, आप यही ना या, या हम तय नहीं ना करेंगे। मैंने कहा ना कि मैं तय नहीं कर सकता हूँ, या तो जैसे जनता तय करती है, महागठबंधन के नेता बैठ के तय करते हैं, उसमें कोई एक आदमी इंडिविजुअल किसी के कहने से और हमारे कहने से थोड़े होने वाला है। इंडिविजुअल ऐसा तो नहीं कहा जा रहा है कि अगर अगर वो होते पद के उम्मीदवार तो आप लोग मानिएगा महागठबंधन के तमाम नेता? इंडिविजुअल नहीं होता है, सामूहिक निर्णय लिया जाता है महागठबंधन। तो अब आप लोग जो है अलग अलग मांग क्यों कर रहे थे? अलग अलग होली के बाद जो है उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, उसी संदर्भ में किसी ने अपनी भावना को व्यक्त किया। मांग और भावना में आप विधायक है। अरे भाई, आज गजब आदमी आप है। मांग में भावना में अंतर नहीं होता है। मांग कोई थोड़े किया है, मांग कोई नहीं किया। भाव के बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री, हर स्वाभाविक है, हर पार्टी के जो समर्थक होता है उसका जो है उसको उसकी इच्छा होती है कि उसका जो नेता है वो बने। नहीं तो ये बात तब लग रही है कि आप लोग जो है जदयू पे दबाव बना रहे हैं कि आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। वो आपकी राजनीति यहाँ पर नहीं होती, हम लोग दबाव अपने में होते हैं। हम लोगों का लक्ष्य है 2024 में इस देश को भाजपा से मुक्त करना, हम लोग का सीधा टारगेट वहाँ है। इधर दाया बाया की राजनीति, दबाव नहीं बना रहे। तो कल मुख्यमंत्री ढाई घंटे तक वेट करते रहे, तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे थे? भाई, इंगेजमेंट था, अन भी कई काम भी तो एक तरह का दबाव। नहीं, यह दबाव जो है सो पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है कि डिप्टी सीएम का वेट करना पड़े ढाई घंटे। भाई, दिन भर का कार्यक्रम था, और भी तो इंगेजमेंट है, वो डिप्टी सीएम है, उनके पास उतना विभाग है, और भी कई
ऐसे इंगेजमेंट रहते हैं तो जो है सो उसमें वह कोई मसला ही नहीं है। अब इसको अब ऐसे ऐसे इशू पर कोई अगर सवाल खड़ा करता है तो जो सवाल तो है ना 18 साल नहीं नहीं कोई सवाल किसी का कोई किसी भी डिप्टी सीएम का कोई सवाल कोई सवाल नहीं पहली बार ऐसा हुआ है कि डिप्टी सीएम का इंतजार करना पड़ा कोई सवाल नहीं है या जो सवाल का कोई इसका औचित्य ही नहीं है। आप बचते नजर आ रहे हैं नहीं बचेंगे काहे के लिए कोरोना छुपा के थोड़ी अधिक करते हैं मुख्यमंत्री वेट किए और 18 साल में पहली बार ऐसा हुआ है तो नहीं ऐसी बात नहीं और अप्रत्यक्ष रूप से दबाव नहीं दबाव की राजनीति हम लोग नहीं करते। हमारे साथ थे आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन जिन्होंने कहा कि हम लोग दबाव की राजनीति नहीं करते लेकिन कल जिस तरह से मुख्यमंत्री ने 2.5 घंटे तक वेट किया तेजस्वी यादव का वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के जो विधायक है वो मांग कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए होली के बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।